हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम स्टॉक ऑन रेडार है। तो बेसिकली इस सीरीज में हम वो सारी कंपनीज को ऐड करने की कोशिश करेंगे जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर हमको अवेलेबल है। बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, बहुत स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, मार्केट में अच्छा डोमिनेंस है, प्रेजेंस है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी ब्राइट दिखता है। और अभी भी उनमें काफी पोटेंशियल है कि वो मार्केट को आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकती है। तो हमको ऐसे कंपनीज की एक लिस्ट बनानी चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए, अपने रडार पे रखना चाहिए। तो इस सीरीज का पर्पस ही यही है कि हम कुछ कंपनीज को, ऐसी कंपनीज को, सेंसिबल कंपनीज को आइडेंटिफाई करें जिनको हम अपने रडार पे रखें और उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। जब भी हमको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही ही है और मार्केट इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो आप जब भी आपको सुटेबल होता है, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसमें अच्छी पोजिशन बना सकते हैं स्लोली। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न भी इन कंपनी से मिल पाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। हम काफी सारी कंपनीज को इस सीरीज में एड करने की कोशिश करेंगे, अच्छी कंपनीज को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस सीरीज में भी बने रहिए, इस वीडियो में भी बने रहिए, क्योंकि काफी डिटेल में आज हम जिस कंपनी को ऐड करने वाले हैं वो है KEI वायर्स एंड केबल्स। तो ये देखिए, KEI जो इंडस्ट्रीज है, बेसिकली ये जो डील करती है वो वायर्स एंड केबल्स में करती है। तो इसके बारे में हम इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, काफी डिटेल में हम जाएंगे, इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम पहला सेक्शन जो होगा हमारा, जिसमें हम इसके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनकी क्या प्रेजेंस है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कैसा मैनेजमेंट है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एट लार्ज जो हमारा पहला सेगमेंट होता है, उसमें हम बिजनेस एट आज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। अगर आपको बिजनेस नहीं पता है किसी भी कंपनी का, तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप लंबे समय तक आपको कन्विक्शन आएगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बिजनेस को समझें। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जो कि हमारा सेकंड सेक्शन होता है, कि इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझें। कहीं डेट तो ज्यादा नहीं है, तो कितनी बैलेंस्ड कंपनी है, कितनी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, वो सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को जब हम देखते हैं तो हमको एक काफी क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है कि कंपनी कितनी हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है। तो सेकंड सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फंडामेंटल पैरामीटर्स का होता है। और थर्ड जो सेक्शन होता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का होता है, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके इसके चार्ट को स्टडी करते हैं। तो ब्रॉडली उससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट का परसेप्शन उस कंपनी को लेके एट प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, पास्ट में क्या रहा है और एट प्रेजेंट क्या है। तो आप, तो ये एक थ्रू आउट डिस्कशन हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाता है। आप बिजनेस को समझते हैं, आप कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझते हैं और फाइनली आप इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं। तो काफी ब्रॉडली हम किसी भी कंपनी को इस तरीके से कवर कर पाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जिस कंपनी को कवर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है KEI इंडस्ट्रीज। तो ये KEI इंडस्ट्रीज वायर्स एंड केबल्स में ही प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर, मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खुलकर रखी हुई है। बट जस्ट मैं आपको ब्रीफली बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो सर, ये कंपनी जो है ब्रॉडली वायर्स एंड केबल्स में ही प्रेजेंट है। तो जैसे आप जानते हैं कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वायर्स केबल्स हो गए, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटी होती है, तभी कोई कंट्री डेवलपिंग से, अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ग्रो होगा, वायर्स एंड केबल्स के बिना आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये जो है कंपनी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर में प्रेजेंट है और इसकी प्रेजेंस काफी क्लियर है। देखिए आप, पहली चीज तो ये सुपर ब्रांड है। सुपर ब्रांड मतलब ये काफी रिकॉग्नाइज ब्रांड है, आप और सब जानते हैं। इसके मार्केट में भी काफी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ IPL को भी स्पॉन्सर करते हैं, तो ये काफी विजिबल ब्रांड है, पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरा ये है कि अब हम इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द सेगमेंट है, मतलब इंडस्ट्रीज को भी टारगेट करते हैं, कंज्यूमर्स को भी टारगेट करते हैं, तो ये सारे रेंज में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, तो मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ब्रीफली सारे कैटेगरीज को एक बार डिस्कस कर लें।
है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनाते हैं, हाई वोल्टेज केबल बनाते हैं, लो वोल्टेज केबल बनाते हैं, तो एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। तो आप देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एक्स्ट्रा, हाई वोल्टेज तो है ही बट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है। तो ये जनरली जो होता है ये आपके जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करना पड़ता है, क्योंकि आप जो घर में यूज करते हैं वो नॉर्मली 220 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं, तो वो लो वोल्टेज होता है। बट जो पावर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, तो जो जहां से पावर जनरेशन होता है वहां से लेकर आप बहुत सारे जगह पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो जो ट्रांसमिशन होता है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो केबल ये बनाते हैं कंपनी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल भी बनाते हैं। तो मतलब ये कहना चाहिए कि आप थ्रू आउट द सेगमेंट, जिसमें आपको बात कर रहा था कि ये पावर प्लांट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं, ये होम अप्लायंसेस को भी कर सकते हैं, तो सभी सभी सेगमेंट में है ये। तो ये देखिए आप कि इन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने ब्रैक केबल एजी इनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है केई ने। तो ये जो है 110 साल से पुरानी स्विस केबल है, स्विट्जरलैंड की केबल है ये, ब्रैक केबल्स काफी नॉन ब्रांड है ये, काफी बड़ी कंपनी है। तो ये 110 साल से केबल्स का काम कर रही है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। इन्होंने केईआई इंडस्ट्रीज ने ब्रैक केबल्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर किया है और ये जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स बनाते हैं। इसकी जो वोल्टेज की कैपेसिटी है वो है 400 केवी। तो आप सोचिए नॉर्मली जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट्स, और जो थ्री फेज सप्लाई जनरली जो हम इरिगेशन में यूज करते हैं वो 440 वोल्ट्स होता है, यहाँ पर हम केवीस की बात कर रहे हैं। तो जब 1000 वोल्ट होता है उसको 1 केवी बोल सकते हैं आप, तो ये 1 केवी से भी ऊपर, मतलब 400 केवी है ये, तो बहुत ही हाई वोल्टेज है ये। नॉर्मली आपको ऐसे जनरली नहीं मिलेगा ये, बस जैसे मैंने आपको बताया कि इसका स्पेसिफिक यूज ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो है वो रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पावर स्टेशन हो गया, थर्मल पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर स्टेशंस, तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाई वोल्टेज केबल। तो वो ये जो था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो उनके पास केबल है वो है हाई वोल्टेज केबल। तो हाई वोल्टेज केबल भी काफी वाइडली यूज होता है। ये जो है देखिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 220 केवी तक है। तो वो जो ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज था वो 400 केवी तक था, ये जो है 200 केवी तक के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मली जो होता है यूज, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो 3.3 केवी से 33 केवी। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल, तो ये बहुत सारी जगह पे आपको स्विच यार्ड्स में मिल जाएंगे। 33 केवी 3.3 केवी की केबल्स ये जनरली यूज करने में आती हैं। तो ये इस केबल्स को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। थर्ड जो हो गया लो वोल्टेज केबल। तो ये ज्यादा वाइडली यूज होती है, बहुत सारी जगह पर ये यूज होती है, कॉमनली यूज होती है, ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में आती है। तो जनरली जो इसका अप टू 1.1 केवी, तो मतलब 1100 वोल्ट तक ये जनरली बनाई जाती है, अलग अलग वैरायटीज में बनाई जाती है। और ये देखिए इसका एप्लीकेशन जो है जनरली इन्वॉल्वड इन इंडस्ट्रीज, इन्वॉल्वड इन वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, न्यूक्लियर, थर्मल पावर। तो ये प्लांट्स के अंदर यूज होती है, बेसिकली ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होती है। तो जो हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है मेनली। बट ये जो है ये आप जनरली अप्लायंसेज जो आपके इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं इजिली। और ये जो है आपको 1 मिनट बता देता हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में आती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 3 कोर 3.5 कोर 4 कोर, तो ये बहुत सारी वैरायटीज में आती है। फिर देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लो वोल्टेज केबल। तो ये सबसे ज्यादा और भी ज्यादा, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज कम होते करते जाते हैं तो उसका एप्लीकेशन जो है ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो वो लो वोल्टेज केबल आप कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज से भी ज्यादा यूज होती है, जनरली यूज हो जाती है, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया 1.1 केवी तक यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा कंट्रोल केबल्स। तो कंट्रोल केबल्स देखिए सर, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ केबल है, क्योंकि आप जब जनरली इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत होती है। तो ये मल्टी कोर केबल होती है, देखिए इस केबल के अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, क्योंकि आपको सिग्नल्स को ट्रांसफर करना पड़ता है फीडर से सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम तक, पीएलसी तक, तो वहां पर ये कंट्रोल केबल्स यूज होती है।
तो ये जो है देखिए, दिस कंट्रोल केबल्स आर मेनली यूज्ड इन मशीनरीज, मशीन टूल्स एंड अप्लायंसेस, मेजरिंग, कंट्रोल, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसका वाइड एप्लीकेशन है। जब आप इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, अगर कोई काम करता होगा तो उसको पता होगा कि कंट्रोल केबल बहुत वाइडली यूज होती है, मल्टी कोर केबल्स होती है ये, और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने में काफी मदद मिलती है, जो कि आप इलेक्ट्रिकल एमसीसी से ट्रांसफर करते हैं, पीएलसी पैनल्स में भी कर सकते हैं, और भी जगह पर आप फील्ड में भी यूज करते हैं। तो ये वाइडली यूज केबल है ये। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी हो गई सर। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो नेक्स्ट है वो है होम कैब। तो ये जो हम जनरली घरों में यूज करते हैं, तो ये B2C टाइप का बिजनेस है, जहां पर आप ये जो केबल्स हैं उसको कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं डायरेक्टली। तो ये जो केबल है, जनरली जो हम घर में के अंदर वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, उसमें ये यूज होता है। ये ऑलमोस्ट कहना चाहिए 85 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं इस केबल को। दिस केबल आर यूज्ड इन फॉर वायरिंग डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। अ फाइन ड्रॉ ऑफ मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर प्रोवाइड्स एनहेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं सर। और इसका जो मैक्सिमम है वो है 1100। तो नॉर्मली हम यहाँ तक जाते नहीं है, हम नॉर्मली 220 वोल्ट पे ही काम करते हैं। तो ये मैक्सिमम इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो ये बहुत वाइडली यूज वायर्स है, काफी वाइडली यूज होता है ये। उसके बाद देखिए सर, ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सिंगल एंड मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल्स। तो फ्लेक्सिबल केबल्स का भी वही एप्लीकेशन है कि ये सिंगल और मल्टी कोर जो कोर होते हैं, मतलब कि जितने उसके अंदर ये वायर्स होते हैं, इसको कोर बोला जाता है। तो ये सिंगल कोर भी आते हैं, मल्टी कोर भी आते हैं। तो ये भी फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल मतलब यहाँ पर जो आपकी जो ऊपर की जो स्लीव होती है वो काफी नरम होती है, तो उसको आप मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं इजिली, आप यहाँ वहां उसको डाल सकते हैं, ले करने में, केबल ले करने में काफी सहूलियत होती है इसमें। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सर वो है इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स की। तो ये भी इंडस्ट्रीज में बहुत ही वाइडली यूज होती है, क्योंकि आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जिससे कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीटली ऑटोमाइज्ड हो, कंप्लीटली ऑटोमेटिकली चले सेंट्रल कंट्रोल रूम से। क्योंकि आप जो पहले इंडस्ट्रीज होती थी वो मैनुअली काफी हद तक सेमी ऑटोमेटेड होती थी, तो उसमें मैन पावर बहुत यूज होता है। बट आज के डेट में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उसमें सारा ऑटोमेशन है, तो उसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब के सिग्नल्स को पीएलसीज में कनेक्ट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन केबल की जरूरत होती है। तो ये उस केबल्स को भी बनाते हैं, ये बहुत वाइडली यूज होता है। देखिए आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंडस्ट्री प्लांट्स के अंदर पेट्रो डिपॉजिट स्टील, तो ये चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे पेट्रोकेमिकल प्लांट हो या पावर प्लांट हो, कोई भी किसी भी तरीके का प्लांट अगर होगा वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, और उस उनके सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए फील्ड से सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम या पीएलसी में ट्रांसफर करने के लिए ये काफी वाइडली यूज होती है। नेक्स्ट वैरायटी सर जो है वो है थर्मोकपल एक्सटेंशन कंपनसेटिंग केबल। तो ये थर्मोकपल जो होते हैं सर, ये एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जैसे स्टील प्लांट है या सीमेंट प्लांट है, जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर आपको एक कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए है जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सके। तो ये टेम्परेचर 1200 डिग्रीज, 1300 डिग्रीज, 1500 डिग्रीज तक भी हो सकता है। तो ये जो थर्मोकपल है वो उसको टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप, उसके सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए ये केबल यूज होती है। बहुत वाइड एप्लीकेशन है, किसी भी इंडस्ट्री में वाइडली यूज होती है ये। तो ये थर्मोकपल कंपनसेशन केबल भी बोलते हैं इसको। तो ये भी ये सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोलर केबल का। तो सोलर केबल जो है ये सोलर केबल भी बनाते हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KEI PV सोलर केबल्स आर डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग फोटोवोल्टिक पावर सप्लाई सिस्टम्स। ठीक है सर, तो ये फोटोवोल्टिक पावर सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सोलर केबल ये भी बहुत ही ज्यादा अभी यूज हो रहा है, क्योंकि आप काफी हाई क्वांटिटी में सोलर पैनल्स को भी यूज कर रहे हैं। देखिए रबर केबल्स, ये भी नॉर्मल एक वैरायटी ऑफ केबल ही है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये भी काफी यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फायर सर्वाइवल केबल। तो ये जैसे आपने देखा होगा, जहां पे हजार्डियस लोकेशन होता है, जहां पर काफी पॉसिबिलिटी होती है स्मोक फायर की, तो वहां पर ये फायर रेजिस्टेंस केबल यूज किया जाता है, या कहना चाहिए कि जहां पर टेम्परेचर हाई होता है। तो जैसे हमने बताया इंडस्ट्रीज के अंदर काफी हाई टेम्परेचर पर काम होता है, तो वहां पर फायर सर्वाइवल केबल्स को यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल होती है, बहुत स्ट्रेटेजिक केबल होती है और वाइडली यूज केबल है। उसके बाद नेक्स्ट हम
कहते हैं मराइन एंड ऑफशोर केबल्स। तो जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है ये मराइन और ऑफशोर केबल वहीं पर ही यूज होता है, मराइन और ऑफशोर रीजन्स पे। तो ये भी इसका भी यूज है, काफी यूज है, इतना हाई नहीं बट स्पेसिफिक सेगमेंट को बिलोंग करती है, कैटेगरी को बिलोंग करती है एक इंडस्ट्री की। तो ये आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है वाइंडिंग केबल, वाइंडिंग वायर्स सॉरी। तो वाइंडिंग वायर्स तो आपको पता ही होगा, ये तो सबसे ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है, क्योंकि मोटर जो होती है वो कहना चाहिए कि हार्ट होता है किसी इंडस्ट्री का। तो मोटर्स की जो वाइंडिंग होती है, बेसिकली जो मोटर है वो इसके अंदर एक वाइंडिंग होती है। तो जब वाइंडिंग को आप एनर्जाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तभी वो मोटर घूमती है। तो ये वाइंडिंग जो है उसको बनाने के लिए मोटर की ये वाइंडिंग वायर्स यूज होते हैं, ये भी वाइंडिंग वायर्स भी ये बनाते हैं। तो ये बहुत ही हाईली यूज्ड काइंड ऑफ वायर्स हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में, घर में, कहीं पर भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सर वो है स्टेनलेस स्टील वायर। तो ये जो स्टेनलेस स्टील वायर है ये काफी वाइडली यूज होता है। अगर आपको होजेस बनानी है, उसके बाहर की स्लीव बनानी है, या फिर आपको रोप बनानी है, स्टेनलेस जो रोप्स आती हैं वो अगर बनाना है, मैश बनाना है, स्प्रिंग बनानी है, तो ये काफी जगह पर ये स्टेनलेस स्टील वायर भी यूज होता है। जनरली हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज नहीं करते हैं एप्लीकेशन में, पर ये इंडस्ट्री में काफी वाइडली यूज होता है। तो सर आपने देखा ब्रॉडली कि ये इतने सारे वैरायटीज में है, ये देखिए आपने इतने सारे, ये हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, कंट्रोल केबल, हाउसवेयर, सिंगल कोर इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, थर्मोकपल केबल, तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, सोलर केबल, इतने सारे वैरायटी की। तो मतलब मुझे नहीं लगता है, मेरे नॉलेज में भी नहीं है, और मैं काफी कंफर्म हूं कि कोई भी सेक्शन है जहां पर ये जो केबल ये नहीं बनाते हैं। तो बेसिकली जो भी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितनी भी केबल्स हैं, वो सारी केबल्स में ये इनकी प्रेजेंस है। दूसरा जो इनका बिजनेस वर्टिकल है वो है ईपीसी बिजनेस का। तो यहाँ पर ये ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और इनके कुछ मेजर क्लाइंट्स, उसके बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये देखिए कि ये हैज मोर देन अ डिकेड एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ईपीसी है क्या, तो ये है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसका फुल फॉर्म जो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। तो ये इनकी जो प्रेजेंस है इस चीज में भी 10 साल से ज्यादा की, इनके एक डिकेड से ज्यादा की इनकी प्रेजेंस है, ये करते आ रहे हैं। और बेसिकली ईपीसी में क्या होता है, जो बहुत लार्ज स्केल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको जो है कोई भी कंपनी आउटसोर्स कर देती है किसी भी कंपनी को, कि वो एग्जीक्यूट करके आपको स्टार्टिंग से इंजीनियरिंग करे, उसकी पूरी डिजाइन विजाइन सब डेवलप करे, फिर उसका मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी करे, और फाइनली कंस्ट्रक्ट करके आपको दे दे, हैंड ओवर कर दे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि बड़ी कंपनीज आउटसोर्स करती है। तो ये देखिए इनके पास इतनी एक्सपर्टाइज है कि हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, सबस्टेशंस को बनाते हैं, सबस्टेशंस जहां पर फीडर्स होते हैं, प्रोडक्शन रिलेज होती है, ये सारी चीजें होती हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस, ये देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी है, रेलवेज में भी है, इंटरनेशनल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में है, इसके बाद मेट्रो एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में है। तो ब्रॉडली जो क्रिटिकल बड़े बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी ये सेकंड इनका बिजनेस वर्टिकल है। तो पहला वर्टिकल जो है वो केबल्स का है, और दूसरा जो है वो ईपीसी बिजनेस का है। तो ये सर ब्रॉडली इनका बिजनेस है, ये इनका सेगमेंट है। उसके बाद हम जल्दी से एक बार इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ये आपको क्लियर हो गया, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2300 एम्प्लॉइज हैं, और कस्टमर्स देखिए तो 1500 प्लस से ज्यादा कस्टमर्स हैं इनके पास। ये देखिए ये सारी केबल्स हमने डिस्कस कर ली, इतने सारे केबल्स में है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स में है, ये 5 प्लांट जो है वो भिंडवाड़ी, चोपांकी, ये सारी जगह पर है। उसके बाद इनके पास रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये एस्टेब्लिश जो है वो 1968 से हुए हैं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, इनकी रेवेन्यू ये स्प्लिट क्या है। तो देखिए इनके जो प्रोडक्ट का स्प्लिट है, तो ये लो टेंशन केबल में जो केबल है उसका 41% रेवेन्यू आता है, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल से 9% आता है, हाई टेंशन केबल से 14% आता है, तो ये देखिए, और ईपीसी बिजनेस से 16% आता है। तो जो आपने देखा पाई जो है वो काफी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लो टेंशन से भी आता है, हाई टेंशन से भी आता है, लो वोल्टेज केबल से भी आता है, फिर ईपीसी से भी आता है, फिर ये आप देखिए अलग अलग सेगमेंट से आता है। तो इसमें एक ही सेगमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है, बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड आप देखिए यहाँ पर कि जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं,
मतलब जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको 53% आईए सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट 18% करते हैं, और रिटेल जो है B2C जो इनका प्रोडक्ट है वो 29% आता है। तो ये भी बढ़िया पाई अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनकी CAGR ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया, रेवेन्यू जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 20% से, मतलब पिछले 5 साल से 20% पे ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन, एबिटा भी देखिए आप 20% से ग्रो करता जा रहा है, तो बहुत अच्छे पेस पे ये ग्रो भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इनके बिजनेस की जो मेजर हाईलाइट से वो देखिए, 8500 कंपनीज में पहले इनकी रैंक 338 थी, अभी 317 हो गई, तो इंप्रूव हुई है इनकी रैंक। इन्होंने QIP किया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, 500 करोड़ इन्होंने जुटाए हैं जो कि ये फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। फिर इकरा की क्रेडिट रेटिंग से ये अच्छी है। फिर ये बता रहे हैं कि देखिए हेल्दी ऑर्डर बुक है, बहुत बढ़िया। टीवी कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग राजस्थान रॉयल्स को ये प्रमोट करते हैं, IPL में ये है, तो ये इससे क्या ब्रांड विजिबिलिटी बनती है। सुपर ब्रांड है ये 2011 से 16 और फिर 2019 में फिर से सुपर ब्रांड का स्टेटस मिला है इनको। फिर देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बैंक के साथ में, अलग अलग सेगमेंट में, एक्सपोर्ट में, रिटेल में, EHV में, और कमिटेड प्रमोटर्स हैं। तो ये हाईलाइट है इनके बिजनेस की मेनली। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल। तो किस तरीके से ये इवॉल्व हुए हैं, तो 1968 से आप देखिए कितना पुराने बिजनेस में है, बहुत ही पुराना है। तो आप बोल सकते हैं कि कम से कम 50 साल से ये बिजनेस करते आ रहे हैं, तो बहुत ही पुरानी कंपनी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो ये देखिए इनकी जर्नी जो है वो स्लोली, इन्होंने थर्मोकपल केबल से लेके 3.3 KV से लेके आज 400 KV तक की केबल्स को ये बना रहे हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है काफी ब्रॉडली। तो ये आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये टाइम के साथ में इन्होंने किस तरीके से अपनी कंपनी को इवॉल्व किया ये दर्शाता है इससे। और इससे क्या है कि ये डीरिस्किंग करते हैं, क्योंकि आप एक ही सेगमेंट में अगर रहेंगे तो आपके बिजनेस में रिस्क बहुत बढ़ जाती है, तो ये इससे रिस्क को भी कम करते जा रहे हैं ग्रेजुअली। फिर देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये हमने सब चीजें डिस्कस कर ली है, सारी तरीके के केबल्स को हमने काफी ब्रॉडली डिस्कस कर लिया है। फिर कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, R&D की कैपेबिलिटी है इनके पास, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रिटेल सेगमेंट में भी बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका अच्छा है, ग्रोइंग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है इनकी, एक्सपोर्ट भी करते हैं ये, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंस परफॉर्मेंस। तो इनकी बैलेंस शीट भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर पा रहे हैं, कैश फ्लोज जनरेट कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लो टेंशन केबल ये बहुत बढ़िया, इनका जो डाइवर्सिफाइड है तो बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट में, तो आपको एक ही प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन आपको नहीं दिखता, और ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज को ये कैटर करते हैं, रेलवे, ऑटोमोबाइल, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये हमने सारी चीजों को डिस्कस किया जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए ये कहाँ कहाँ पे इनकी फैसिलिटी है, तो ये इतनी जगह पर इनकी फैसिलिटी है, 5 फैसिलिटीज हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी इनके पास है फैसिलिटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 लोकेशंस में, भिवाड़ी, रखोली, चौपान की, तो ये बहुत सारी जगह पर इनकी प्लांट्स हैं, 5 जगह पर हैं, और 1996 से स्टार्ट किए हैं, 2002, 2007, 2018, 2019, और ये सारी कैपेसिटीज इनकी हैं। तो ये आपने क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए R&D फैसिलिटी है विद इन हाउस लैब एक्रेडिटेड बाय NABL, ठीक है सर। फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्लिम्स ले सकते हैं इनकी अलग अलग जगह पर कैसे प्लांट्स है, तो इसका भी एक आपको ब्रीफ फोटोज आपको यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रिटेल सेगमेंट विद अ वेल एंट्रेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये इनका जो फोकस है वो रिटेल पर भी बहुत ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अपसाइकिल डाउन साइकिल्स आ सकती हैं, बट रिटेल जो होता है वो काफी स्टिकी बिजनेस होता है, क्योंकि रिटेल से डिमांड थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल्स बनी रहती है। तो इसीलिए जो हर किसी भी कंपनी का जो फोकस होता है वो रिटेल पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी एक तो ब्रांड प्रेजेंस बनती है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी दिखती है, और दूसरा जो रिटेल का बिजनेस है वो काफी स्टिकी बिजनेस होता है। तो आप देखिए जो 2016 से लेकर 2020 तक, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने रिटेल के सेगमेंट को, जो उनकी सेल्स का परसेंटेज है, तो पहले 2016 में 26% था टोटल सेल्स का रिटेल, अभी 29% है, बीच में 33 तक पहुंचा था, अभी घटा है, लास्ट ईयर हो सकता है इसलिए भी घटा, और ये लॉकडाउन के चक्कर में, बट मुझे लगता है ये कंटिन्यूसली इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, अपने रिटेल के जो सेगमेंट है उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पर है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और मार्केटिंग ऑफिसेस भी इनके इतने हैं। तो अगर आप उसको पाई में देखेंगे तो ये 14% ईस्ट में है, 32% वेस्ट में, नॉर्थ में, तो ये बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने पूरे थ्रू आउट इंडिया में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है।
रिटेल के बाद में, रिटेल में फोकस करने के बाद इनकी देखिए ग्रोइंग एक्सपोर्ट प्रेजेंस है, तो ये रिटेल पे भी फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो अभी देखिए जो FY20 है उसमें 18% जो है टोटल सेल्स का 18% जो है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है और जो 30% है वो रिटेल से आ रहा है। तो 30 + 18 अगर आप मानेंगे तो ऑलमोस्ट 50% जो है ये ऑलमोस्ट इनका काफी स्टिकी बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है। तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेपाल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, गाम्बिया, बहुत सारी जगह पर, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 445 करोड़ का ऑर्डर बुक है ये। तो ये हो गया एक्सपोर्ट बिजनेस, रिटेल बिजनेस। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो कितने बढ़िया, 20% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, मार्जिन देखिए 20% से EBITDA मार्जिन, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ जो है 42% है, वो डबल है, मतलब ये मार्जिन भी इंप्रूव करते जा रहे हैं। कैश फ्लोज देखिए अच्छे कैश फ्लोज हैं, रोबस्ट है। और देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, जब FY17 में आप देखते थे तो इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो थी वो 1.2.9 ऑलमोस्ट थी, अब देखिए वो घटकर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गई है। तो जितने भी इन्होंने अपने कैश जनरेट किया उसको उन्होंने ग्रेजुअली अपने डेट को रिड्यूस किया है और आज की डेट में ये डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। फिर ये देखिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है इनकी, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रेजुअली करना है, रिटेल पे फोकस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाना है, ओवरसीज मार्केट में फोकस है इनका, और FMEG मार्केट में है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, जो जिस तरीके से फोकस होना चाहिए बिल्कुल वही फोकस है। फिर ये पावर केबल के केबल इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, काफी डिटेल में इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपके पास समय होगा तो आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि ब्रॉडली जो पावर एंड केबल की जो सेक्टर है वो किस तरीके से उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो इन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे डिमांड असेसमेंट, ये ठीक है सर, रियल स्टेट सेक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है हमारी कंट्री में, अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो चल रही है वो सारी चीजें, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है परसेंटेज ऑफ फिगर्स में। आप समय हो तो आप जरूर इसको पढ़िएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आपके पास अगर समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा, अच्छा है, ये काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी देखिए, तो आपने देखा है इसमें आप जो ब्रॉडली देख सकते हैं कि टेलविंड्स क्या हैं, तो मैं अगर आपको मोटा मोटी बता दूं तो देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके बाद फिर पावर के केबल सेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, मेनली जो है रियल स्टेट सेक्टर से इनको बूस्ट मिल रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंप्रूव हो रहा है उससे मिलेगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है जो बढ़ता जा रहा है उससे इनको काफी बूस्ट मिलता है, EPC सेक्टर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उससे भी ये काफी इनको मदद मिल रही है। तो ये ब्रॉडली सर आप इनकी पूरी टेलविंड्स को, इनकी पूरी स्टोरी को यहाँ पे समझ सकते हैं, और अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। देखिए स्ट्रेंथ, ब्रांड रिकॉग्निशन, ये बहुत ब्रांड प्रमोशन बहुत एग्रेसिवली करते हैं, आप देखिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को भी प्रमोट करते हैं IPL में, तो और देखिए यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब को भी इन्होंने पहले किया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनके ब्रांड्स बहुत ही विजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है कि यह इंडस्ट्रीज को, इनके ब्रांड्स बहुत ही विजिबल है मार्केट में। तो ये है सर ब्रॉडली कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है और अच्छी प्रेजेंस है, ग्रोइंग सेक्टर में है, 20% CAGR पर रेवेन्यूज इनके ग्रो हो रहे हैं और 40% PAT ग्रो हो रहा है, सारे थ्रू आउट द सेगमेंट में सुपर ब्रांड भी है ये, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। चलिए हम सेकंड सेगमेंट में चलते हैं जो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का रहता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इस कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं कितनी स्टेबल कंपनी है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं सर ये है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 4,444 करोड़ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है। तो ये मार्केट कैपिटल है, इसमें आप बोल सकते हैं कि ये स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी है। इसका जो PE है वो देखिए आप 18.1 का है, जो कि रीजनेबल PE है, जो मैं आपको बात कर रहा था कि स्टॉक ऑन रेडार, तो रेडार पे आपको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कुछ कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे, बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज जो कि मार्केट में विजिबल हैं और बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया इंडस्ट्री है, तो उसमें प्रेजेंट है, अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है और अभी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल भी रही हैं, इसलिए आपको ऐसी कंपनीज को रडार पर रखना चाहिए। तो ये 18.1 के PE पर है, देखिए आप मार्केट कैपिटल भी नॉमिनल है, यहाँ से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 10 साल में ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। उसके बाद देखिए आप डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत बढ़िया बात है। ROCs देखिए आप 28.1 के ROCs हैं, ROEs देखिए आप 22.4
जोड़ के बहुत शानदार आरओसीज आरओईज हैं, डेट फ्री कंपनी है। जैसे कि हमने बात किया, एक समय में बहुत हाई डेट था, तो मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, इतना आपका एजाइल है कि देखिए उन्होंने अपने अपने डेट टू इक्विटी रेशियो कितना बढ़िया तरीके से मेंटेन किया और आज की डेट में इस कंपनी को डेट फ्री बना दिया है। इक्विटी कैपिटल देखिए सिर्फ 18 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मार्जिन्स देखिए आप 10.5% के हैं, मुझे लगता है ये फर्दर भी इंप्रूव होते हुए आपको फ्यूचर में दिखने वाला है। अब हम आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर का जो क्वार्टर था लास्ट ईयर का 1300 करोड़ की जो सेल्स थी वो घटकर आज 1100 करोड़ पर आ गई है। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो ये 73 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ पर आ गई है। तो वो कहां से हुआ, तो मार्जिन्स तो ऑलमोस्ट सेम रहे हैं इसके, तो जो इम्प्रूवमेंट आया है वो कहां से आया है, तो मार्जिन्स तो आप देखा है ऑलमोस्ट सेम 10-11% पे ही ये कर रहे हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आया है वो यहाँ सारा आया है। देखिए अब 33 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट जो था वो आज घटकर 13 करोड़ पे आ गया। तो ये फायदा होता है आपको अगर आप अपने कर्ज को डेट को अगर आप रिड्यूस करते जाते हैं, तो आप देखिए कि जो इंटरेस्ट पेमेंट पे जो 33 करोड़ पहले पे कर रहे थे वो अभी सिर्फ 13 करोड़, और फ्यूचर में ये हो सकता है जीरो भी दिखे आपको ये फिगर, तो आपको ये जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं पर आप देखिए सेप्टेम्बर क्वार्टर में 1200 करोड़ के अगेंस्ट में 1000 करोड़ इन्होंने सेल्स करी हुई है और मार्जिन देखिए 10-11% है, और ये जो नेट प्रॉफिट है वो 76 करोड़ से घटकर 68 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये थोड़ा वीक क्वार्टर था, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, ये भी अभी रिकवरी के फेज में, अभी भी इनकी अर्निंग्स में एक्सेलरेशन आपको नहीं दिख रहा है। देखिए 1300 से घटकर ये 1100 पे आई है, वहीं पर 1200 से घट के ये 1000 पे आए हैं। जून क्वार्टर में आप देखिए 1000 से घटकर ये 745 करोड़ पे आए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सेल्स है वो पिछले तीन क्वार्टर्स में घटी है, तो आपके पास एक विजिबिलिटी है कि अब जब इकोनॉमिक साइकिल पिकअप होगी तो आपको वापस ये इन फिगर्स पे जाते हुए दिखेगी, और बल्कि हो सकता है इसके ऊपर भी जाते हुए दिखे। तो जब ये होगा तब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये पहले सारे फिगर्स को अचीव कर चुके हैं, हायर फिगर्स को, तो बहुत कंपनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि वापस इस फिगर्स पे आते हुए आपको दिखे। और जब ये होगा तब आपको अच्छी रेटिंग इस कंपनी में देखने मिलेगी। तो जो हम रडार की बात कर रहे हैं, स्टॉक ऑन रडार की, तो आपको ये मॉनिटर करना चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं इनकी अर्निंग्स में। तो अगर मान लीजिए आप अगर मार्च क्वार्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मार्च अभी जो रिजल्ट आएगा मार्च क्वार्टर का, अगर आपको इंप्रूव्ड अर्निंग्स दिख रही हैं इसकी, तब आप मैं आपको बोलूंगा कि आप स्लोली अपनी पोजीशंस को बढ़ाना चालू कर दीजिएगा। तो ये आपने देखा। अभी हम आ जाते हैं ईयरली प्रॉफिट्स पे। तो देखिए आप 2015 में 2000 करोड़ था, 2016 में 2300 करोड़, तो 2000 करोड़ से बढ़कर आज 2020 में ये ऑलमोस्ट 5000 करोड़ पे आपको जाते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए 30 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 250 करोड़ पे आपको जाते हुए दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। मार्जिन्स देखिए 10% पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो मार्जिन्स में इनके कभी भी ना तो डिप आया है ना बढ़े हैं, तो ये मार्जिन्स ऑलमोस्ट इनके मेंटेन्ड है। सेल्स इनकी बहुत स्पीड से बढ़ी है और नेट प्रॉफिट्स तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ा है। तो ये चीज ब्रॉडली है, अच्छा पेस है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छे पेस पे ये ग्रो कर रहे हैं। शेयर कैपिटल भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। रिजर्व्स देखिए बढ़िया है, कोई इशू नहीं। आप बोरोइंग्स की जो हम बात कर रहे थे कि 2017 तक देखिए और 2018 तक देखिए, बोरोइंग्स इनकी बढ़ रही थी, 800 करोड़ का कर्ज जो था वो आज घटाकर ये 271 करोड़ पे ले आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको ये डेट फ्री कंप्लीटली जीरो बोरोइंग्स पे आपको जाते हुए भी दिख सकते हैं, अगर ये कोई मेजर कैपिटल एक्सपेंशन नहीं करते हैं तो। फिर कैश फ्लोज देखिए, तो ये ब्रॉडली अच्छे कैश जनरेट करती है कंपनी। ये जो प्रेजेंट ईयर है इसमें जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं इसके कारण ही ये नेगेटिव कैश फ्लो मिल दिख रहा है आपको, बट आप ये अश्योर्ड रहिए कि ये अच्छे हाई कैश जनरेटिंग कंपनी है जो कि आप पहले प्रीवियस ईयर्स में देख चुके हैं। तो इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कंपनी जो है वो एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आती थी, इसीलिए हो सकता है इनको शटडाउन भी लेना पड़ा हो, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ रीनेगोशिएट भी करना पड़ा हो, तो इसके कारण से आपको ये नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको आपको ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। आरओसीज आप देखिए ऑलमोस्ट मेंटेन है 28% पे, बहुत ही अच्छे हैं। डेटर डेज देखिए 102 डेज हैं, अगर ये 80 डेज तक आते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए प्रमोटर्स का, तो प्रमोटर्स का जो है वो 46% से घटकर आज 40% पे आया है, जो कि एक कंसर्न है। मैं ये इस चीज से खुश तो नहीं हूँ कि 46% से 40% आए हैं, बट जो मूवमेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो 7% से एफआईआईज के पास आज 16% है, तो मोर देन डबल इन्होंने कर लिया है एफआईआईज ने। तो जो ट्रांसफर हुआ है प्रमोटर्स के पास वो एफआईआईज के पास चला गया है। डीआईआईज भी देखिए आप 12% से 23% पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन आपको इंस्टीट्यूशन में देख रहा है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी बहुत स्पीड से इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बहुत तेजी से इसमें अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं पर आप पब्लिक के पास देखिए 33% जो था वो आज घटकर 19%। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने प्रमोटर्स से भी शेयर्स लिए, हो सकता है उन्होंने अप्रोच किया प्रमोटर्स को कि आप अपना एक ब्लॉक दे दीजिए हमको, तो उन्होंने प्रमोटर्स से ब्लॉक लिया शेयर्स का और पब्लिक से भी लेते जा रहे हैं, अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 12% से कंटिन्यूअसली ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, मतलब आप बोल सकते हैं कि 80% जो इक्विटी है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 20% जो इक्विटी है वो वीक हैंड्स में है। तो ब्रॉडली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई इशू नहीं है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में ब्रॉडली मुझे कहीं पर भी कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी कोई कंसर्न नहीं है, सारे पैरामीटर्स बहुत शानदार हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, बहुत अट्रैक्टिव पीई है, तो ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो नजर रखना है वो रखना है क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। जब भी आप देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं, जब ये प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा सेल्स कर पा रहे हैं या नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा पाते हैं, तो फिर आप समझिए कि अब जो रिकवरी का जो था वो खत्म हो चुका, मतलब कंप्लीटली कंपनी रिकवर हो चुकी है प्रीवियस स्ट्रगल्स से, तो आप एग्रेसिवली इस कंपनी में अपनी पोजीशंस फिर बनाना चालू कर सकते हैं। चलिए सर हम थर्ड सेगमेंट पे आते हैं जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट है। सर आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है इसका, यहाँ पर जो है ये एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला। कंसोलिडेशन के बाद आपने देखा यहाँ पर ये देखिए जो ये इसका प्राइस मूवमेंट था ब्रॉडली ये आपका 10-20 रुपए से लेके 100 रुपए तक के बीच में था इसका प्राइस मूवमेंट। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम एडिशन हुआ आपने देखा, ये वॉल्यूम ऐड होते हुए आपको दिख रहे हैं और साथ में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला। और आप RSI को भी देखिए कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं ब्रॉडली कि इसने अपने रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने मिला जो कि 10 डेज की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए कंपनी का जो ट्रेंड है वो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। फिर देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो पहला तो वॉल्यूम एडिशन है, दूसरा जो है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है RSI इंडिकेटर जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ओवरबॉट दिख रहा है। अब ओवरबॉट का जैसे हम हमेशा बोलते हैं आपको कि ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए या आप शॉर्ट कर दीजिए या अपनी पोजीशंस को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको इस चार्ट में दिख रही है। नॉर्मली ओवरबॉट के बाद क्या होता है, आपको रिट्रेसमेंट दिखता है, इसलिए लोग उसको गलत समझते हैं, बट ओवरबॉट होना एक अच्छी चीज ही है, इसको आप गलत मत मानिए। ये यहाँ पर आपको दिखाता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेशन है मार्केट में, इस चार्ट में स्ट्रेंथ है। और कभी कभी ओवरबॉट सिचुएशन बहुत लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप एक बड़ी रैली को मिस कर जाते हैं, इसीलिए सिर्फ ओवरबॉट देख के आप इसको आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट मत करिएगा कभी भी। फिर देखिए आप ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया जहां पर मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको देखने मिले, ये ऑलमोस्ट 4 times हो गया बहुत शॉर्ट समय में। उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि जो रिसेंट करेक्शन हुआ था लास्ट ईयर में जो कोरोना का करेक्शन हुआ था उसमें 600 रुपीज से घटकर ऑलमोस्ट 250 रुपीज में आते हुए आपको दिखा यहाँ पर। फिर आप जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें आप काफी अच्छा एक रिकवरी इसमें फिर से देखना चालू कर दिए हैं, ये देखिए काफी अच्छी रिकवरी अब इसमें वापस से आना चालू हो गई है। तो ये अभी भी रिकवर हो रहा है, अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ है। क्यों रिकवर नहीं हो पाया इसका प्राइस, क्योंकि आपने इसके देखा कि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, जो इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है अभी तक वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाए। तो जब आपको कंपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट में भी रिकवर होते हुए दिखेगी तो आपको यहाँ पर चार्ट पर भी बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने मिलेगी। तो ये है सर मंथली चार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके वीकली चार्ट पर जल्दी से। तो आप देखिए मैं 8 years का डाटा ले लेता हूँ वीकली चार्ट के लिए। ये देखिए सर ये वीकली चार्ट है इसका, तो इसी को हमने जूम इन कर लिया। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो ब्रॉडली हम बात कर रहे थे कि 2015 से आप देखिए अच्छा वॉल्यूम एडिशन हुआ था यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही थी इस स्टॉक की, और जो कि अभी तक मेंटेन्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और ये ट्रेजेक्टरी मेंटेन्ड है, अप साइकिल में है, स्ट्रेंथ चार्ट में स्ट्रेंथ है, कहीं पर भी कोई वीकनेस नहीं दिख रही। ये मेजर करेक्शन जो आया था वो तो सभी कंपनीज में आया था, कोई इशू नहीं, बट वहां से रिकवरी भी उतनी अच्छी है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट लेवल है ये 500 के लेवल, ऑलमोस्ट जो है 500 के लेवल 520 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है, तो आपको और भी थोड़ा सा रिलीफ रैली दिखेगी
और भी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी में आगे दिख सकता है। तो ब्रॉडली जो है आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहे हैं या कुछ है, तो अच्छी रिकवरी दिख रही है ये एक लेवल। और आप बोल सकते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, ये जो लेवल है हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, तो ये है 520 का लेवल। तो अगर 520 के लेवल पे क्लोज होते हुए दिखता है आपको अच्छे वॉल्यूम एडिशन के साथ में, तो एक फर्दर जो फ्रेश मोमेंटम है अपसाइड का वो स्टार्ट हो जाएगा इस कंपनी में। और मुझे लगता है कि जब हमारे जो फाइनल फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आसपास आपको इसमें एक अच्छा मोमेंटम बिल्ट होते हुए दिखेगा। हम अब आ जाते हैं फाइनली इसके डेली चार्ट्स पर। तो हम ब्रीफली इसके एक बार डेली चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए सर, ये डेली चार्ट है। तो ये डेली चार्ट है सर, इसमें तो मुझे काफी स्ट्रांग चार्ट दिख रहा है, मतलब काफी बड़ी रैली दिख रही है। देखिए आप, ये जो है बेसिकली बेस है इसका, इसके नीचे आपको इस बेस लाइन के नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा ये स्टॉक। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये है उसका रेजिस्टेंस लाइन। ओके सर, इसी के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जैसे हम देखते हैं हमेशा, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ये फॉर्म हो रहा है। और जब ये ब्रेकआउट होगा 520 के लेवल के ऊपर जो हमने बात की है, तो वो फिर आपको एक फ्रेश मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा, जिसके लेवल्स तो बहुत ही ऊपर के आते हैं। ये देखिए जो हाइट है इसका, हाइट के बराबर इसके लेवल्स होते हैं इसके ऊपर, जब क्लोज होगा इसके ऊपर, तो काफी बड़े टारगेट्स हो जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फिर भी आपको ये लेवल ध्यान रखना चाहिए, कि आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले। पहली चीज तो यह है कि ये टेक्निकली इस लेवल को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाए। दूसरा यह है कि आप इसके अर्निंग्स में एक्सेलरेशन देखें, इम्प्रूवमेंट देखें। और अगर आपको ये दोनों चीजें दिखती हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, तो आप ग्रेजुअली इस कंपनी में फिर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। बट कुछ भी आप करें उसके पहले अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करें, अपना एनालिसिस करें। अगर आपको लगता है कन्विंसिंग है तभी आप अपनी पोजिशन बनाइएगा, अदरवाइज मत बनाइएगा। चलिए सर, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।